6 ବର୍ଷରେ ପୂରା ହୋଇଛି 60 ବର୍ଷର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ମାର୍ଗ ହୋଇଛି ପ୍ରଶସ୍ତ। ଗତ 1 ବର୍ଷରେ ମୋଦୀ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ କଡ଼ା ଓ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସିଏଏ, ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଆର୍ଟିକଲ 370ର ଉଚ୍ଛେଦ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଛି ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ଆଗଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्यकाल प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर उनको अपनी ओर से और करोड़ों करोड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं पार्टी के अध्यक्ष की दृष्टि से कि वह पूरी ताकत के साथ जैसा उन्होंने पिछले 6 वर्षों में देश की सेवा प्रधानमंत्री के रूप में की है उसी ताकत के साथ पूरी शक्ति के साथ ईश्वर उनको शक्ति दे ताकि वो अच्छे से और पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे रहे। गत 1 वर्ष मध्यरे अनेक उपलब्धि हासिल करिछन्ती मोदी सरकार। विश्व एबे कोरोना महामारी सह संघर्ष करुछि। प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व रे एई संकट परिस्थिति को भारत दृढ़तार सह मुकाबला करि पारे सफल होइछि। लॉकडाउन समय रे दिनकु मात्र 10,000 टेस्ट हेउथिला जहाँ एवं 1,60,000 पहुंची। प्रतिदिन देश में प्रस्तुति हो 4,500 पीपीआई किट आउ प्रत्येक दिन पखापाखि 58,000 भेंटिलेटर प्रस्तुत होने नड्डा। कोरोना प्रभावित देशर अर्थनीति को ट्रैक को फेराई आने पर मोदी देखते देशर आत्मनिर्भर भारत भली ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज जहाद्वारा देशर समस्त वर्गर लोकों को मिली पारिबो सुविधा। विरोधी कांग्रेस को मध्य टार्गेट करिछंती नड्डा। कांग्रेस रो शासन रे वर्ष वर्ष धरी देशर उन्नति रे जो शून्य स्थान रहिथिला ताहाकु मात्र 6 वर्ष रे पूरण करिछंती मोदी सरकार। देशवासी को पई मोदी सरकार नेथिबा पदक्षेप गुडी को गोटी गोटी करी गणाइछंती जेपी नड्डा। ब्यूरो रिपोर्ट द अर्गस्ट ऑर्डिनेंस।